Hello students, today we are going to do theorem 7.1 and this theorem is ASA congruence rule triangles chapter 6 class 9 mathematics. So we have seen one exam, SAS exam and this is the only exam SAS and the remaining criterias are theorems only. So we need to prove दिस थ्योरम्स बाय दैट एग्जाम ओनली एंड दैट एग्जाम इज एस एस हमें एस एस एग्जाम की हेल्प से ही सारे थ्योरम हेल्प प्रूव करनी है तो फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास ए एस ए कन्गुर रूल टू ट्राइंगल्स आ ये आपने क्लास सेवन में सारे क्राइटेरिया आपने देखे थे ना हमें इसको प्रूव करना है हमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया जो हमने प्रूव नहीं किया है और वो कौन सी एग्जाम है एस ए एस एग्जाम है तो ये थ्योरम है जो हमको एस ए एस एग्जाम से एग्जाम से हमको क्या करना है इसको प्रूव करना है सो लेट्स स्टार्ट सो टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रेंट सो लेट्स मेक फर्स्ट ऑफ ऑल टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राएंगल क्या गिवन है टू ट्राइंगल्स कंग्रेंट कब होंगे अगर उसके दो एंगल्स और बीच के एक साइड इंक्लूडेड साइड दूसरे दो ट्राइंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो तो सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्म एंड लेट स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस बिफोर स्टार्टिंग प्रूफ यू टू राइट ऑल एवरीथिंग गिवन सो वट इज गिवन टू अस गिवन टू ट्राइंगल्स कंसिडर द ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल डी एफ वी हैव कंसिडर टू ट्राइंगल्स हमने ले लिए हैं एक एबीसी और एक डी एफ And what is given in these two triangles? What is given to us? See, we are making one rough diagram of ABC and another diagram of DF. So, here given to us two sides and uh, two angles and included side. So, let's take angle B equals to angle E. This is given to us. एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई दिस इज गिवन सेकेंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड लास्ट एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस सो दिस आर दिंग्स गिवन टू अस एंड वी नीड टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्रा एंगल कन्गोरेंट होंगे टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी एज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ दिसंबल ऑफ कन्ग्रेंस डी एफ के कनग्रेन बताना है सो टू प्रूव द कन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स मीन्स हम अगर ये कन्ग्रेन बताना है तो देर आर थ्री केसेस सो फॉर प्रूविंग द कन्ग्रेंस थ्री केस अच्छा एस एस एग्जाम आप सबको मालूम है व्हाट इज एस एग्जाम एस एस एग्जाम क्या होती है साइड एंगल साइड तो हमको उसका यूज करना है तो इसमें आप देखो क्या गिवन नहीं है अब एस एस के अकॉर्डिंग देखो एक साइड है एक एंगल है मगर हमें एक साइड और चाहिए अगर हमारी एक साइड और आ जाएगी तो हम लिख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कंफ्रेड हो जाएंगे तो इस कारण से देर आर थ्री केसेस है सो लेट्स स्टार्ट द केस नंबर वन केस वन वैन ए बी इक्वल्स टू डी दिस इज द फर्स्ट केस जब ए बी डी के इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा वेन ए बी इक्वल्स टू डी सी अभी हमको क्या गिवन था वंस मोर गिवन टू अस टू एंड इंक्लूडेड साइड नाउ वी टू एज्यूम हमें एज्यूम करना है ए बी डी के इक्वल होगा अभी अदर साइड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं हम चाहे तो ए सी और डी एफ के बारे आ, से भी ले सकते हैं और वी कैन टेक ए बी और डी हमने कोई भी एक साइड लेके ले चलना है तो ये देखो आप ये दो ट्राइंगल्स में थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस साइड को लेकर ए बी और डी ई e को लेकर इस तरह से ए सी और डी एफ में भी थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो हमें कोई एक साइड को एक समय पे लेना है तो हम ले रहे हैं ए बी और डी ई e को ले रहे हैं तो ए बी और डी ई e के बारे में क्या हो सकता है देखो कोई भी दो ट्राइंगल में तीन चीज हो सकती है फर्स्ट कि ए बी डी के इक्वल हो सेकेंड ए बी बड़ी हो डी e से थर्ड ए बी छोटी हो डी से इसके अलावा तो कोई होगी नहीं तो हमको ही तीन केस इसलिए हमारे पास आए हैं क्योंकि हमें इन तीनों से पता करना है ए बी डी के ए बी ग्रेटर देन डी और ए बी लेस देन डी इन तीनों से हमें ये कन्ग्रेंसी प्रूव करनी ए से कन्ग्रेंसी प्रूव करनी और तीनों केस में हम बता देंगे कि ए बी डी के इक्वल हो जाएगी अब देखो तो कैसे बताएंगे सी नाउ फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया है एबीडी के इक्वल हो गया अगर हम एबीडी के इक्वल ले लेते हैं तो हमें जो गिवन है वो तो है ही और हमारे पास अब एक्स्ट्रा चीज आ गई एबी इक्वल टू डी नाउ, एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ हमारे पास क्या आ गया अब ए बी इक्वल्स टू डी आ गया है ए बी इक्वल्स टू डी दिस वी एज्यूम इट ये हमने एज्यूम किया, किया है हमारा सेकेंड ये फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड सेकेंड है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई ये तो हमें गिवन ही था यह तो हमें शुरुआत में ही गिवन में था और थर्ड बी सी इक्वल्स टू ई एफ ये भी हमें गिवन में है यू कैन सी आप देख सकते हैं ये सब हमें गिवन में दे रखा है टू गिवन ट्राइंगल में एंगल बी एंगल ई के BC, ई एफ के इक्वल दे रखा है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल दे रखा है तो हमें अभी क्या माना है हमने ए बी इक्वल्स टू डी हमने एज्यूम किया है और जब हमने एज्यूम किया है तो हम लिख सकते हैं अब नाउ बी सी इक्वल्स टू ई एफ ये हमारा इक्वल को सी एफ ये भी हमारा गिवन पोशन था अब देखो कौन सी एग्जाम लग गई एस ए एस एग्जाम है और एग्जाम बेसिक फैक्ट्स होता है जो कि जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती तो देर फोर बाय एस एस एग्जियम एस एस ट्रायंगल एग्जियम ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एबीसी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एफ ये हुआ फर्स्ट केस जब ए बी डी के इक्वल है नाउ अब केस टू तो हम ले रहे हैं जब ए बी डी के इक्वल नहीं हो और हम मान लेंगे कि ए बी इज ग्रेटर देन डी अब सेकेंड केस ले लेते हैं इसका सो ए बी इज ग्रेटर देन डी ये हमने एज्यूम कर लिया नाउ। लेट ए बी इज ग्रेटर अब ए बी बड़ा है डी से इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी देन Take a पॉइंट P on AB such that PB equals to DE. टू अब देखिए ए बी बड़ी है DE से अगर ए बी साइड अगर दिखने में ऐसे दिख नहीं रहा है मगर हमको सब चीज एज्यूम करना है अगर ए बी बड़ी है डी से तो हमने क्या करा ए बी पर एक ऐसा पॉइंट ले लिया उसका नाम दिया पी और इस तरह से हमने ये पॉइंट लिया कि पी बी और डी इक्वल हो जाए क्योंकि ए बी बड़ी है तो ए बी बड़ी है तो हमको इक्वल बनाने के लिए हमने क्या करा एक पॉइंट ले लिया यहां पे और इस तरह से बनाया जैसे मान लो फाइव सेंटीमीटर है तो हमने और ये सिक्स सेंटीमीटर थी सपोज तो हमने क्या लिया एक पॉइंट ले लिया पी इस तरह से कि ये फाइव तो ये भी फाइव हो जाएगी सच देट इक्वल्स टू डी अब हमें क्या करना है इसको ज्वाइन कर देना है ये इक्वल हो गए तो अब ज्वाइन कर देते हैं इनको ये हमने ज्वाइन कर दिया पी बी इक्वल टू डी को ज्वाइन कर दिया सो बीबी नाउ कंसिडर ट्राइंगल अब हम दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे कौन कौन से पीबीसी और डीई एफ

अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया पी बी डी के इक्वल हो गया दिस वी आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन सेकेंडली एंगल बी एंगल सी के तो ऑलरेडी इक्वल है गिवन है हमारे पास एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई गिवन एंड थर्ड वन मोर थिंग इज दैट बी सी इक्वल्स टू ई एफ बीसी एफ e, के इक्वल हमें क्या है गिवन है तो ऑलरेडी गिवन सो व्हाट रिजल्ट वी हमें क्या रिजल्ट मिला इससे ये देखो एस एस एग्जाम लग गई देयर फॉर बाय एस एस एग्जियम एस एस कन्ग्रेंट कन्ग्रेंस एग्जियम से ये दो ट्राइंगल हमारे क्या हो गए कन्ग्रेंट हो गए ये ग्रीन वाला और ये पूरा ट्राइंगल पी

देखो कौन सा एंगल है पी सी बी ये एंगल पी सी बी दिस वन पी सी बीवल टू डी एफ इसका इक्वल होगा सीपीसी वन ट्राइंगल्स द रिमेनिंग पार्टल सो बाई सी पी सी टी रीजन इज करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कनग्रेन ट्राइंगल्स फुल फॉर्म क्या है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कनग्रेन ट्राइंगल ये हुआ इक्वेशन नंबर वन इसको देते हैं हम वन वन मिनट के लिए दे देते हैं वन एंड आल्सो वी हैव गिवन हमें एक चीज और दे रखी क्या गिवन है आल्सो गिवन हमें दे रखा है कि ये पूरा एंगल सी ए सी बी डी एफ ई के तो इक्वल दे रखा था ये पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल है ये गिवन है हमारे पास तो हम पूरा लिख रहा हूं बह ए सी बी डी एफ ई और पहले लिखा था एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ क्योंकि पहले ये लाइन नहीं थी तो हमने पूरा लिख दिया था एंगल सी एंगल एफ के मगर अब अभी लाइन आ गई बीच में तो हम क्या लिखेंगे ए सी बी डी एफ ई के इक्वल है, है ये। given, A, C, D, F, e. ये टू अब आप देखो वन और टू से क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें ये भी डी के इक्वल है ये भी डी के इक्वल है तो इन दोनों से क्या रिजल्ट मिला पी सी बी एसीबी के इक्वल हुआ फ्रॉम वन एंड टू वी गॉट द रिजल्ट वन और टू से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है हमें मिल रहा है पीसीबी किसके इक्वल हो गया एंगल ए सीबी के इक्वल हो गया अब आप देखना ध्यान से पीसीबी और ए सी बी देखते इस ट्रैंगल में पी सी बी ए सी बी के कैसे इक्वल हो सकता है बताओ मगर हमारे पास तो रिजल्ट आ रहा है पी सी बी ए सी बी के ऐसा तभी हो सकता है जब एक वर्टेस के दो पॉइंट हो दिस इज पॉसिबल ओनली वेन एन पी को इन साइड ये ऐसा तभी हो सकता है कि ए सी बी और पी सी बी इक्वल हो मतलब एक वर्टेस के दो नाम हो गए मतलब तभी हो सकता है ऐसा So we we'll write this is possible only when A and P coincide. So write this is possible only when P coincide with A. अगर पी कोइंसाइड कर गया ए से इफ पी कोइंसाइड विद ए अगर पी और ए कोइंसाइड कर गया तो पी बी तो डी के इक्वल था तो पी और ए ए मतलब ए बी भी किसके इक्वल हो गया अब डी के क्योंकि पी और ए एक पॉइंट हो गए और अगर ए ही पॉइंट हो गए पी बी डी के इक्वल था तो ए बी भी डी के इक्वल तो होगा तो इससे क्या जी लिखेंगे इट ए बी इक्वल टू डी तो हमारे पास देखो वापस तीन चीज आ गई ए बी डी के इक्वल है अब ए बी डी के इक्वल है एंगल बी एंगल e के इक्वल था ही बी सी एफ के इक्वल था ही देखो बी सी एफ के इक्वल था बी डी के इक्वल था और ए बी डी के इक्वल आ गया तो कौन सी एग्जाम लग गई वापस एस एस एग्जाम लग गई तो राइट तो हम लिख देंगे देर फोर बाय एस एस एक्सियम एस एस कनग्रेंस एक्सियम ट्राइंगल ए बी सीट टू ट्राइंगल डी एफ के वापस क्या हो गया कनग्रेंट हो गया तो सेकेंड केस भी हमने बता दिया कि इट इज ट्रू देखो तो फर्स्ट बताया था ये फर्स्ट केस में एबीडी इक्वल था सेकेंड केस में क्या आया ए बी अगर बड़ा था डीई से तो तो बड़ा था ही नहीं मीन हमने गलत ही माना था तो गलत मानते हुए भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि ए बी से डीएफ के सिमिलरली सिमिलरली हमको थर्ड केस करना है केस किस तरह से करना है थर्ड केस हमें थर्ड केस सिमिलरली केस टू जैसा करना है ए बी लेस देन डी मानना है फिर यहां पे एक पॉइंट लेना है फिर उसको ज्वाइन करना है वापस से वही रिजल्ट आ जाएगा ये सारी स्टेप्स आ जाएगी हमारे पास सो नो नीड टू डू विल राइट सिमिलरली हम लिखेंगे केस थ्री अब सिमिलरली केस थ्री केस थ्री क्या हुआ इफ ए बी इज लेस देन डी अगर आप ए बी लेस देन होता है डी पे

and we will repeat repeat the arguments in case as in case of 2 as of case 2 सो so, उससे भी हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है वही रिजल्ट मिलेगा अगर आप डी ले लेते हैं पॉइंट तो सेम रिजल्ट विल गेट और इससे रिजल्ट आएगा ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ के हो जाएगा सो इन एनी केस आप कोई सा भी केस ले लो हर केस में आपके पास यही हो रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी हो रहा है ट्राइंगल डी एफ e, के कन्ेंट हो रहा है सो हेंस प्रूव सो विल राइट ंगल ए बी सी इज कन्ग्रेन टू ट्राइंगल डी एफ इन ऑल द केसेस ऑल थ्री केसेस हैंज प्रूव वी हैव प्रूवड इट फाइनली सो दिस कंप्लीट्स दिस थ्योरी थोड़ी सी लेंगदी है बट इट इज इजी एंड इट नीड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस बिना तो ये होने वाला ही नहीं है एनी डाउट यू कैन Ask in the comments. Thank you so much for watching the video.